हेलो फ्रेंड, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी गार्डन में। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं पिटूनिया का फ्लावर है, कितना खूबसूरत इसका कलर है। और पिटूनिया का मेरे पास में बहुत सारा इस पर कलर हुआ है, इधर भी देख सकते हैं। और देसी तो इतना हुआ है फ्रेंड, ये देख सकते हैं एक ही प्लांट में दो कलर का खिल रहा है, एक डीप इस तरह से वाइट और पर्पल है और एक वाइट और रेड है, जैसे इस तरह से इसका भी एक वाइट रेड दूसरे रंग का, ये देख सकते हैं ये स्टार पिटूनिया और ये वाइट। वाइट तो कुछ दिन के बाद फ्रेंड पॉट्स नहीं दिखेगा, जैसे ये देख रहे हैं इसी तरह से। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, ये देसी वाला पिटूनिया। मेरे पास और भी पिटूनिया है जिसे फ्लावर खिलना शुरू हो गया। हमारे यहाँ जनवरी लास्ट और फरवरी से ही प्लांट पे फ्लावर अच्छे से देता है। हम लोग अक्टूबर नवंबर से सीड्स लगाना शुरू कर देते हैं, या अगर प्लांट आकर लाना चाहते हैं नर्सरी से तो प्लांट भी ला करके लगा सकते हैं। तो आपको नवंबर दिसंबर में मेरे यहाँ प्लांट मिलता है बिहार में, बाकी उससे पहले प्लांट आपको नहीं मिलता। अगर आप सीड रखे हुए हैं तो सीड से भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बीच में थोड़ा सा ज़्यादा ठंड पड़ जाती है फ्रेंड, तो जो भी फ्लावर अगर बड्स भी बना हुआ तो उसी तरह रह जाता है, फ्लावर खिलता ही नहीं है। अगर आपको अब जो है अच्छा फ्लावर होगा, तो जब भी आपको फ्लावर चाहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावर हो, तो जितना भी स्पेंड फ्लावर होता है फ्रेंड उसको कट करना पड़ता है। कट भी किस तरह से करना पड़ता है आपको दिखा देते हैं। तो मैंने कट करके सबको हटा दिया, लेकिन फिर भी दिखाते, देखिए ये आपको जो है फ्लावर नहीं इस तरह से तोड़ना है, ऐसे फ्लावर आपको तोड़ना नहीं है। ये जो देख रहे हैं फ्रेंड, इसके अंदर सीड बनता है, ये देख सकते हैं इस तरह से सीड बनता है, इसके अंदर सीड बनता है, देखिए एकदम छोटा सा ही है। तो अगर इसको छोड़ देंगे, फ्लावर गिर भी जाता है लेकिन इसको अगर हम छोड़ देते तो इसमें सीड बनने लगता है, और सीड हमको नहीं चाहिए। एक दो अगर आप रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन सीड से प्लांट उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता है। तो सीड रखना ज़रूरी नहीं है फ्रेंड, सीड्स अगर ज़्यादा बनने लगेगा तो प्लांट में जो है फ्लावर बड्स बनना कम हो जाएगा। तो सीड्स को जितना भी फ्लावर स्पेन हो जाए उसको तोड़ते जाए, इस तरह से तोड़ते जाइए, जितना भी सूखते जाए फ्लावर उसको हटाते जाइए। और जैसे ही 15 दिन होता है फ्रेंड, इसमें जो है हम लोग जो मस्टर्ड केक का जो लिक्विड बना के डालते हैं, आप लिक्विड बना के डाल दीजिए। ऊपर से नहीं डालना है, वाटरिंग करना है, जब भी डालें तो साइड से डालें। अभी तो पॉट आपको दिख रहा कि खाली भी है, कुछ दिन बाद फ्रेंड ऐसे करके उठाना पड़ता है और डालना पड़ता है। और देख सकते हैं कितना मिट्टी में नमी बना हुआ, 2 दिन हो गया है लेकिन धूप नहीं मिला, धूप भी अच्छे से हो रहा लेकिन ये प्लांट जो है पूरे पॉट में भरा हुआ है फ्रेंड, तो मिट्टी तक धूप नहीं मिल रहा। अगर हम इसी तरह से छोड़ देंगे तो बीच बीच में जो है ना फंगस लगना भी शुरू हो जाता है, कीड़ा देखिएगा वाइट वाइट करके फफूदी जो होता है वो लग जाता है। तो इसलिए हल्दी का पाउडर या तो आप साफ फंगीसाइड पाउडर जो है हल्का सा सूखा स्प्रे इसमें डाल दीजिए, या अगर वो भी नहीं आप कर सकते जो लकड़ी का जो हम लोग जला के रखते हैं राख, उसको भी डाल सकते हैं फिर, उससे भी कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा, हमारा प्लांट को भी हेल्दी करेगा, प्लांट में अच्छे से फ्लावर भी होगा, देख सकते हैं फिर। और ये जो देसी पिटूनिया है फिर, ये तो सीड गिर जाएगा आपके गार्डन में हमेशा लगते रहेगा, इसको कोई लगाना नहीं पड़ता। फिर मेरे पास इतना ज़्यादा इस बार हुआ है, इतना ज़्यादा हुआ कि सब में से हटाना पड़ सकता। ये देख सकते ये गजानिया है, साइड में ये भी लगा हुआ, ये भी देखिए देसी हाइब्रिड पिटूनिया, पीछे सीट लगा हुआ इस तरह से लगा हुआ रहता है। बहुत ज़्यादा इस पर देसी वाला पिटूनिया जब निकलता और इसमें 2-3 कलर होता है, ये केवल वाइट नहीं होता, एक पर्पल में भी होता है और 3 कलर होता है, और इसमें हल्की सी खुशबू भी आती है। लेकिन जो हाइब्रिड पिटूनिया है फिर उसमें कोई खुशबू नहीं आती है। और ये जो है ये देखिएगा देसी पिटूनिया ऊपर लंबा ऊपर की ओर बढ़ेगा, लेकिन जो हाइब्रिड है वो पूरा पॉट में भर जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से। कुछ दिन के बाद जो है फ्रेंड, अभी पॉट तो फ्लावर खिलना भी शुरू नहीं हुआ, तब आप देख सकते किस तरह से पॉट में भरा हुआ। कुछ दिन के बाद जो है ये पॉट पूरा भर जाएगा, एकदम नहीं दिखेगा, पूरा नीचे लटकता हुआ रहता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं फ्रेंड, सीड से भी लगा सकते हैं, और बहुत आसानी से ग्रो भी हो जाता है। बस पानी का ख्याल रखना है, इसमें ज़्यादा पानी अगर डालिएगा तो उसका जो है रूट नीचे से गलना शुरू हो जाएगा, तो इस बात का भी ध्यान देना है कि आपको पानी ज़्यादा नहीं डालना है। जितना कम वाटरिंग करें मिट्टी को चेक करके ही करें, और मस्टर्ड केक का लिक्विड जो है आप इसको मार्च अप्रैल तक देते रहें, मार्च तक, अप्रैल से ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ता है फिर। हमारे यहाँ जो है ये प्लांट जो है आपको अप्रैल मई तक बहुत अच्छे फ्लावर करेगा, जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगता है तब ये प्लांट जो है पूरे धीरे धीरे करके ख़राब हो जाता है, ये देख सकते हैं। चलिए और भी कुछ कलर वो भी आपको दिखा देते हैं, ये भी देख सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत इसका कलर लगता है मुझे। और ये भी देख सकते हैं कितना जल्दी भर रहा, ये तो लगता है इधर में इसका लगता पत गिर गया होगा प्लांट में, तो वो भी पूरा फैल गया है, जिसको हटा करके जल्दी हैंगिंग बास्केट में लगा देंगे। और आपको देसी पिटूनिया दिखाते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसा पॉट नहीं होगा जिसमें देसी पिटूनिया और मेरे यहाँ पॉपी नहीं है, देख सकते ये देसी वाला जो है गुड़हल है और इसमें पिटूनिया देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं उसमें भी देसी पिटूनिया, ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा ऊपर में है तो इसको थोड़ा सा तोड़ने में दिक्कत होता है, इसको भी हटाते जाएंगे। ये भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा कलर है, ये भी 2-4 दिन पहले लगाया हुआ है, ये भी कुछ दिन में पूरा भर जाएगा,
देख सकते हैं पिटूनिया का बहुत सारा कलर आता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। बस था वही है सूखा हुआ जो फ्लावर है उसको तोड़ते जाइए और मस्टर्ड केक का लिक्विड आप उसको 15 दिन पर दे दीजिए पतला करके, जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी पड़े हल्का पतला करते जाइए। बस ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो फ्रेंड, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। सॉरी फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।